वेलकम बैक गाइस माय यूट्यूब चैनल। और आप देख सकते हो टाइटल रीड कर ही लिया होगा आपने, ये वीडियो होने वाली रिंग लाइट प्लस रिमोट कंट्रोल एलईडी के ऊपर। तो गाइस इसको हम फिट करते हैं, मैं बाइक को पूरा खोलता हूं, उसके बाद गाइस आपको दिखाता हूं कि मैंने कैसे करके बाइक को खोलता हूं और आपको पूरी फिटिंग दिखा दूंगा गाइस। तो लाइक करिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब और बने ऐसी न्यू वीडियो मोटिफिकेशन के लिए गाइस मेरे चैनल पर बने रहे। और चलिए तो मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं बाइक। गाइस देख सकते हो बूम मैंने खोल ली इसकी और इसे मैं ब्लेड की मदद से इसे कट कर दूंगा। और उस बार गाइस मैंने एनएस के हेडलाइट में जो कटिंग की थी, मतलब इसको खोला था, तो वो खोला था मैंने गाइस पेट्रोल की हेल्प से। तो इस बार मैं इसे ब्लेड से दो तीन बार इसे राउंड कर दूंगा जिससे इसकी पकड़ कम हो जाएगी और मैं इसे खोल दूंगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसे खोलना है। तो गाइस फाइनली बूम खुल चुकी है, आप देख सकते हो काफ़ी आराम से खोलना पड़ेगा गाइस क्योंकि दिक्कत हो जाती है इसे खोलने में, अगर ज़्यादा जल्दी खोले हुए तो टूट सकता है। मेरी टूटी हुई थी फिर भी मैंने आराम से खोला गाइस, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली मैंने इसे ओपन कर लिया है। और ये देख सकते हो आप एंजल लाइट अपनी। तो मैं गाइस इस एंजल लाइट को डायरेक्ट तो लेंस पे नहीं करने वाला फिट क्योंकि लेंस में थोड़ा सा गैप रह रहा है गाइस, जो गैप के कारण लाइट कम हो जाएगा लेंस का और लेंस बहुत हीट भी करता है। तो इसलिए मैं इसको इसके अंदर साइड में जो प्लास्टिक है उसके थोड़े आगे से इंस्टॉल कर दूंगा जिसमें लेंस की हीट से भी रखा दूर रहेगी। ये सकते हो यहाँ पे ये मस्त फिट हो रहा है, गैप भी नहीं आ रहा है। तो मैं डबल साइडेड टेप से इसमें यहाँ पे फिट कर दूंगा इसको। और तो चलिए मैं दिखाता हूँ। सो गाइस हम ये वाला वायर लगाएंगे इसमें, ये देख सकते हो आप, इसमें कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें ये यहाँ से होके यहाँ से जाएगा तो इसके लिए थोड़ा वायर लंबा चाहिए। तो मैं ये कनेक्ट कर लेता हूँ इसमें फटाक से। सो गाइस देख सकते हो मैंने बूम को फिट कर ली है बाइक में। तो जो बाइक हमने अभी छोड़ा हुआ था लास्ट में, मतलब देख सकते हो लंबा जो वायर था उसको मैं इसको पासिंग लाइट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। कनेक्ट ये देखिए नीचे से आ गया वायर और ये जो वायर है इन्हें मैं इनको कनेक्ट कर दूंगा। और इसी के साथ गाइस ये एलईडी इंस्टॉल कर दूंगा इसमें और मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे इंस्टॉल करने। और मैं कनेक्शन मैंने पूरा कर दिया, ये देख सकते हो नेगेटिव पॉजिटिव इसमें मैंने कनेक्ट कर दिए हैं। और इसके बाद गाइस सीधे लेके चलता हूँ आपको फिट करने के बाद कम्प्लीटली, नाइट में आपको इसका व्यू देख सकते हो। फाइनली बाइक को अपने फिट कर दिया है, आप देख सकते हो पूरी तरीके से मैंने पूरी ओपन की थी और मैंने फिट कर दी। और आप मैं आपको दिखाता हूँ गाइस इसका जो लाइट है, अभी हमने जो इंजन लाइट इंस्टॉल किया था और रिमोट वाली जो एलईडी थी उसको, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ गाइस। तो गाइस देख सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ रिमोट से इसका जो लाइट चेंज करके, तो देख सकते हो सबसे पहले मैं अभी रेड इसकी ब्लिंकर चल रहा है तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ पहले, ये देख सकते हो ग्रीन से कुछ इस टाइप से गाइस इसका लाइट, ये देख सकते हो गाइस कैसे लग रहा है लाइट चेंज होने के बाद। मैं इसको ब्लू करता हूँ गाइस, ये रहा ब्लू, तो देख सकते हो आप गाइस ब्लू हो चुके हैं दोनों। और मैं इनको अगर
डबल प्रेस करता हूँ तो गाइस कुछ इस टाइप से ये ब्लिंक करते हैं। और गाइस जैसे कि इसमें ये लिखा हुआ है फ्लैश, मैं अगर ये कर देता हूँ तो ये देखिए कुछ इस टाइप से आता है इनका लुक। और जैसे कि गाइस इसमें लिखा हुआ है स्मूथ, तो मैं ये स्मूथ पे कर देता हूँ, ये देखिए कुछ इस टाइप से ब्लिंक करती हैं। इसको अगर बंद कर दें तो ऐसे ये देख सकते हो गाइस। और जैसे कि मुझे सबसे और भी कलर है गाइस इसमें, आप देख सकते हो ऐसे कलर चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आपको सही लगे आप वो सेट कर सकते हो। पिंक, एक ब्लू और एक रेड भी कर सकते हो आप। Cause we are